आज हम मैसूर पाक बनाएंगे। मैसूर पाक के लिए मेजरमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ही ग्लास में सब कुछ, ऑयल, बेसन, चीनी, पानी, सब कुछ एक में ही हम मेजर कर लेते हैं। तो अभी पहले एक कढ़ाई में 2 ग्लास में चीनी डाल रही हूँ, 1 ग्लास पानी। ये एक गैस पर, बड़े गैस में ये रख देते हैं एक तरफ। अभी घी को, आधा ग्लास घी लिया है, उसमें और आधा रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल तला हुआ नहीं रहना चाहिए। दोनों मिला के 1 ग्लास अभी डाला है। देखिए, और 1 ग्लास घी और ऑयल मिला के 2 ग्लास। इसको छोटे गैस पर, इसको भी दोनों एक ही बार गैस को जला के रखना है। 1 ग्लास बेसन लिया है और पहले ट्रे को ग्रीस करके तैयार करके रखते हैं। देखिए, गैस पर दोनों गैस ऑन किया है और गैस पर चीनी को पिघला रहे हैं। और मैसूर पाक की विशेषता जो है कि जब हम गैस पर रखते हैं ना, एग्जैक्टली 20 मिनट्स में आपका मैसूर पाक बन जाएगा। आप टाइम देख लेना, गैस पर दोनों जब ऑन करके रखते हैं तो 20 मिनट्स में हमारा मैसूर पाक तैयार हो जाएगा। इस चीनी और पानी को पिघला रहे हैं। देखिए, अभी बॉयल आ गया है। तो इस बॉयल में अभी 3 में से 1 भाग घी और ऑयल जो गरम करने रखा है ना, उसको डाल रहे हैं पहला एक बार। तो फौरन बेसन भी इसमें डालेंगे। देखिए, हाथ चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। ये लम्स सारा तोड़ लेना है। देखिए, सारा लम्स मिक्स हो रहा है। थोड़ा ऐसा कढ़ाई से ये करने से लम्स सारा निकल जाएगा। अभी एक बार, सेकेंड टाइम ये डाल रहे हैं ऑयल और घी को गरम गरम। थोड़ा हाथ का ख्याल रखना, दूर हाथ रख करके ऐसे घुमाना। देखिए, सारा झांझ चला गया। अभी थर्ड टाइम डाल रहे हैं। अभी इसको चलाते ही रहना है, हाथ छोड़ना नहीं है। हाथ छोड़ेंगे तो जल जाएगा। तो मैसूर पाक बनाने के लिए कढ़ाई जो है, मोटा कढ़ाई होना चाहिए। पतला कढ़ाई में बनाएंगे तो मैसूर पाक जल जाएगा, इसलिए मोटा थला वाला लेना चाहिए। ऐसे कंटिन्यू इसको अभी चलाते रहेंगे। देखिए, चलाते चलाते कैसा गट हो गया है। और इसको उतारने की भी तरीका बहुत अच्छा है, हमको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। देखिए, ऐसे घुमाते घुमाते छेद छेद आना शुरू हो गया है। देखिए, मैसूर पाक में कितना अच्छा छेद आ रहा है। तो ये है इसकी परफेक्शन की निशानी, कढ़ाई को नहीं लगेगा और छेद छेद, फुल छेद छेद आता है। तो इसको डालने की भी विधि होती है। ये जब डालते हैं, एक ही बार ऐसा डालना है। कट कट डालेंगे, जैसा जितना कट आप डालेंगे उतना पीस पीस अलग अलग निकलेगा, एक ही पीस नहीं निकलेगा। इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। देखिए, ठंडा हो गया है, फुल ठंडा नहीं होने देना है। जैसे 5 मिनट के बाद चाकू जैसे अंदर जाने जैसा ठंडा होना है बस। अभी इसको काट लेते हैं। देखिए, कितना सुंदर ये कटिंग आ रहा है। अपने साइज अनुसार हम कट कर सकते हैं। ये ट्रे 1 पाव का ट्रे है। इसमें हम कम में कम 45 to 50 मैसूर पाक बन सकता है। देखिए, ऐसा एक बार कट जाएगा तो फिर फुल ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ट करना है। देखिए, मैसूर पाक तैयार हो गया है।
ऐसा चाकू एक्सेल ब्लेड वाला चाकू, पतला वाला चाकू से ही काटना है, मोटा वाला चाकू से नहीं काटना है। मैसूर पाक रेडी।